वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों के खिलाफ असम सरकार सख्त है। आज से ऐसे लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों टीके नहीं लगवाए हैं। वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वाले किसी कार्यालय, रेस्टोरेंट या शॉपिंग मॉल में नहीं जा पाएंगे। अगर कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान इसका उल्लंघन करता है तो उसे 25,000 रुपये जुर्माना भरना होगा। कोरोना के दोनों टीके नहीं लगवाने वाले अब रेलवे के साथ ही बस और विमान में भी सफर नहीं कर पाएंगे। सरकार के इस आदेश के बाद वैक्सीन नहीं लेने वालों को अब एक तरह से घर पर ही नज़रबंद की तरह रहना होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने चेतावनी देते हुए राज्यवासियों को 15 जनवरी तक कोरोना के दोनों टीके लेने की बात कही थी। कोरोना के अपर्याप्त टीकों के साथ अगर कोई सरकारी कर्मचारी पाया जाता है तो उसके वेतन नहीं दिए जाएंगे। ऐसे लोगों को जरूरत होने पर सिर्फ चिकित्सालय जाने की अनुमति होगी। और आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर गुवाहाटी की है। अब आज के इस आदेश के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रवेश करने से पहले, मॉल में प्रवेश करने से पहले लोगों की जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो देखे जा रहे हैं, उसके बाद ही उनको अनुमति दी जा रही है अंदर जाने की। तो एक तरह से आज से ये सख्ती बरती जा रही है। 15 जनवरी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही आगाह कर दिया था कि 15 जनवरी से ये आदेश लागू होंगे, और ठीक उसी का पालन करते हुए ये जो तस्वीर सामने आ रही है गुवाहाटी में, आज से ये शुरू हो गया है। मॉल में जाने वाले लोगों को अब सर्टिफिकेट दिखाने पड़ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर गुवाहाटी की, जहाँ से कोरोना को लेकर जो सख्ती बरती जा रही है, जो जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन नहीं लिए हैं कोरोना के, उन पर अब पाबंदी है। वो अब घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें शॉपिंग मॉल में जाने की अनुमति नहीं होगी, यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी, और उसका असर अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। ये तस्वीर सिटी सेंटर की है, जो यहाँ प्रसिद्ध एक मॉल है, जहाँ पर जाने वाले लोगों के अब कोविड सर्टिफिकेट जो वैक्सीन हैं वो दिखाने पड़ रहे हैं। वहाँ पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो अब मोबाइल पर कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट देख रहे हैं, उसके बाद ही ग्राहकों को अंदर जाने दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एक तरह से रेस्टोरेंट्स और सभी तरह के कार्यालयों में पोस्टर लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी पोस्टर लगे हुए हैं कि बिना संपूर्ण वैक्सीनेशन के किसी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी, और उसी का पालन करते हुए अब गुवाहाटी में भी कई जगह इस तरह से देखा जा रहा है, जहाँ लोगों को मॉल जाते हुए देखा जा रहा है, लेकिन उन्हें कोविड वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही मॉल में जाने की अनुमति दी जा रही है। बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं कि कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका तो पालन करना ही होगा। इसमें शामिल है फेस मास्क के साथ रहना और सैनिटाइज करना, हाथों को सैनिटाइज करना। इसके साथ ही कोविड वैक्सीन जो इतने दिनों से चल रही प्रक्रिया है उसके तहत दोनों डोज ले लेनी है सभी नागरिकों को। अब सरकार ने सख्ती दिखाई है कि 15 जनवरी के बाद, यानी आज से, उन लोगों को सार्वजनिक जगहों पर अनुमति नहीं होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है। यानी कि अगर आपने एक भी डोज लिया है तो भी आप पर सख्ती लागू होगा, क्योंकि आपने दोनों डोज नहीं ली है। संपूर्ण डोज तभी होगी जब आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले लिए हैं। अगर दोनों डोज लिए हैं तभी आपको यात्रा करने की अनुमति होगी, सार्वजनिक जगहों पर घूमने फिरने की अनुमति होगी, शॉपिंग मॉल में जाने की अनुमति होगी, और साथ ही रेलवे, बस यात्रा और विमान पर भी यात्रा, विमान के जरिए यात्रा करने की अनुमति होगी। और फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट दिखाकर लोग मॉल के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं।